1884 में ग्रीनविच मीन टाइम को दुनिया का मानक समय तय किया गया था। ग्रीनविच दक्षिण पूर्वी लंदन का हिस्सा है। ग्रीनविच मीन टाइम का मतलब है रॉयल ऑब्जर्वेटरी लंदन का मीन सोलर टाइम। वैसे तो ये कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम यूटीसी जैसा ही है, लेकिन जीएमटी को अधिकतर ब्रिटिश संस्थाएं इस्तेमाल करती थी। इसे आज भी ब्रिटेन सहित कई कॉमनवेल्थ देशों में इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें भारत और पाकिस्तान भी शामिल हैं। 1 जनवरी 1972 में यूटीसी के इस्तेमाल के बाद से खगोल विज्ञानियों ने ग्रीनविच मीन टाइम का इस्तेमाल बंद कर दिया। १९११ में आज ही के दिन हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्माता निर्देशक अशोक कुमार का जन्म बिहार के भागलपुर में हुआ था। अशोक कुमार दादामुनि हिंदी फिल्मों के ऐसे कलाकार के रूप में सामने आए जिन्होंने अपनी अभिनय क्षमता से भारतीय सिनेमा में स्टारडम को नया आयाम दिया। शुरुआत में अशोक कुमार की रुचि अभिनय में नहीं थी, बल्कि वो फिल्म में तकनीकी पक्ष से जुड़ना चाहते थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें अभिनय के क्षेत्र में लाकर खड़ा कर दिया और उन्होंने अभिनय को इस कदर आत्मसात कर लिया कि उनके अभिनय का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोलने लगा। अशोक कुमार के करियर की शुरुआत बॉम्बे टाकीज से हुई थी। बॉम्बे टाकीज की फिल्म किस्मत अशोक कुमार के लिए मील का पत्थर साबित हुई। अशोक कुमार ने अपने वक्त की ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी के साथ पाकीज़ा, बहू बेगम, आरती, एक ही रास्ता जैसी सफल फिल्मों में काम किया। अशोक कुमार सिर्फ एक गंभीर कलाकार नहीं थे, उन्होंने कॉमेडी फिल्मों में भी काफ़ी धूम मचाई। फिल्म चलती का नाम, गाड़ी और आशीर्वाद उनकी लैंडमार्क फिल्में रहीं। सन 1999 में भारत सरकार ने अशोक कुमार को कला के क्षेत्र में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया। 1987 में सदाबहार अभिनेता और गायक किशोर कुमार का दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ था। बचपन से ही किशोर कुमार केएल सहगल को अपनी प्रेरणा मानकर गाते रहते थे। न्यू दिल्ली, आशा, चलती का नाम, गाड़ी, हाफ टिकट, गंगा की लहरें और पड़ोसन जैसी फिल्मों में किशोर कुमार के हास्य अभिनय को लोगों ने खूब सराहा। फिल्म चलती का नाम, गाड़ी उनके अभिनय के तौर पर एक सफल फिल्म थी। इस फिल्म में उनका गाना एक लड़की भीगी भागी सी बहुत लोकप्रिय हुआ। फिल्म आराधना में किशोर कुमार ने मेरे सपनों की रानी गाना गाया और रातों रात स्टार बन गए। इसी फिल्म के गाने रूप तेरा मस्ताना के लिए उनको पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला। 1976 में अमेरिकी देश बोलीविया के सांता क्रूज शहर में एक चार्टर्ड कार्गो विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 91 लोगों की मौत हो गई थी। दुर्घटना में मरने वालों में विमान के चालक दल के 3 लोग और 88 नागरिक शामिल थे। बोइंग 707 विमान के ह्यूस्टन शहर से मशीनें और अन्य सामान को सांता क्रूज शहर पहुंचाने के बाद उड़ान भरी ही थी कि विमान रनवे के पास एक मैदान में फुटबॉल खेल रहे युवाओं पर जा गिरा। हादसे के बाद हुई जांच में पता चला कि इस दुर्घटना के पीछे इंसानी गलती हो सकती है। हादसे के बाद बोलीविया के तत्कालीन राष्ट्रपति ह्यूगो बांजर ने 3 दिन के लिए शोक का ऐलान किया। 1992 में आज ही के दिन ब्रितानी सरकार ने देश की करीब 1/3 खदानों को बंद करने का ऐलान किया था। इससे करीब 31,000 खनिकों के बेरोजगार होने का खतरा पैदा हो गया। उस वक्त ब्रिटेन में 50 खदानें बची थीं, जिनमें से 30 खदानों को बंद करने का ऐलान किया गया। शीत युद्ध जब अपने चरम पर था, उस वक्त करीब 958 खदानों में 1,000,000 खनिक काम कर रहे थे। वर्ष 1990 में ऊर्जा उद्योग के निजीकरण के बाद कोयले की जगह अन्य आयातित सस्ते ईंधन ने ले ली थी। उसी समय गैस का इस्तेमाल भी प्रचलित हुआ और ब्रिटेन के 2 बड़े बिजली घरों ने कोयले की जगह गैस का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया।